में बैठने के लिए फ्री पैसा लगता है। देख बुला आ आ। और इधर ही भैंसी स्विमिंग पूल में खड़ा होकर कुट्टी खा रही है, यही चहर रही है पेड़ पर। हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, छोटी बड़ी ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। सुबह सुबह सब अंदर पर नजर टिकाया हुआ है क्योंकि वर्षा के कारण अंदर से पक गया है। यही चहर रही है पेड़ पर, एगो यह तोड़ लिए है, इन्हें से तनी पक्कल है। एकदम फ्रेश अमदूर मिल गया है, सबसे बड़ा वाला। ये खा कर देखते, ये कैसा है, सबसे छोट है ये। झक्कास मिर्च सच में मिल रहा। रात भर वर्षा ना हुआ तो पानी सब सूख गया भिंडी में के। और इस सनई के पेड़ इतना बड़ा बड़ा हो गया है, हमारा इतना बड़ा हो गया है। आईओल के पेड़ छत्ता जैसे बनल है, ओकरा नीचे खा रहा है। बरसो आएगा तो हम न भीगेंगे, ये दिन भर खड़ा रहना ठीक। देखा एक हाथ से न पकड़ा रहा है, हम इतना बड़ा छत्ता है, ये वाला पकड़ा जाता है। अमधर तोड़ते तोड़ते अनिया के लिए आई है। अनिया के दो एंटीना खराब है, एक के ये हो से छे देख यार न यार एंटीना दो एकरा खराब है। एगो इधर एंटीना है और एगो इधर एंटीना है, एक चौरी खा रही है। जिसको नेटवर्क ना हो इससे जोड़ सकता है। एला की बारिश में ऐसा नेटवर्क नहीं रहता है। अब बारिश थोड़ा थोड़ा होना स्टार्ट हो गया, जीसी पर नहीं लगा है। एको दिन बिना बारिश के ना रहता है। अनन्या चप्पल पहनने है से बचता है, ये चलवे नहीं करती है। चल अन्नी, हाँ अब आजा अब आजा, चल अब चलवे नहीं करेगी। अनन्या कचौरी लेके गैया के उधर बुला रही है। इतना ना जंगल से गैया दिखवे नहीं करता है। आ आ बुलाओ, हाँ चुम जा, हाँ खा ले के गई, अब तू खा ले, अब तू खा ले, गैया खा ले के खा ले, तू ना जल्दी खो, जल्दी खो, जल्दी जल्दी खा ले। तो अभी हो रहा है शाम, हम जा रहे हैं खेत में और आज भी गेट बंद है। पता ना अब खेत में काम न रहता है, ताला खुलवे नहीं करता है उधर जाने के लिए, क्योंकि वर्षा हो रहा था, खेत में काम है नहीं और सारा फसल उसल अभी कट गया। और इधर से आ गई है चाबी लेके, अब खुलेगा ताला, हम हो जाएंगे फुर खेत के लिए। और गेट के साथ साथ ताला भी बहुत ज़्यादा पुराना है, कभी कभी तो खुलवो नहीं करता, इतना ज़्यादा पुराना है। ऐसे जब वर्षा हो जाता है तो खुलने का नाम ही नहीं लेता। गैया खाएंगे दोनों के सर पर, खा जाएंगे। ओ खेत में तो पहुंच गया है, अब बारिश हुआ से पूरा पानी लग गया खेत में, तो जा रहे अपन गाछी वाला खेत में। आम आम टूट गया, अब कदीमा के लिए जाते हैं वो खेत में। कदीमा अभी तनी तनी को है, बड़का को होगा तो काट के लाएंगे, न तो उससे पहले अगर पता चलेगा कि नहीं जाते हैं खेत में तो कोई दूसरे काट के ले जाएगा। और ये है हमारे यहाँ का पार्क, जिसमें बैठने के लिए फ्री पैसा लगता है, एक रुपया नहीं लगता है ना। जी घास जलम गया है बारिश के बाद, बारिश के बाद इतना अच्छा घास जलम गया है कि सेम पार्क में घास जैसे जलमल है तो ऐसा लग रहा है देखने में। लेकिन पार्क में दो भी रहता है, मोथा ना है। यहाँ मोथा जलमल है और इधर तक कदुआ उदुआ सब है। और इसमें पियर पियर फूल फरता है, पेड़ के नाम है सोटा लाठी वाला पेड़। आना तू तनी पीटेंगे। और तीन चार दिन पहले वाला वीडियो में हम दिखाए थे कि धान का बिया गिर रहा है, और आ जाए तो बिया जलमलो है धान के, दो इंची के बिया जलम गया। थोड़ा थोड़ा जलमल है, मतलब छोटा छोटा पेड़ है तो हरियर हरियर लग रहा है देखने में। और इधर वर्षा हुआ तो मंगनी में बिया बचल था तो गिरा के खत्म कर दिया गया है। और केरा के थम के हेंगा बना के अब बिया गिरा था, हर बैल के जरूरत नहीं, हमारा यहाँ जुगाड़ बहुत हो जाता है। उसे पहले से जाके वहाँ खड़ा हो, बारिश के कारण कुछ ज़्यादा ही हरा हरा सब कुछ लगने लगा है। इतना ज़्यादा पानी हुआ कि कदीमा के पेड़ सूख गया, पियर हो गया, पता ना बचेगा कि ना, क्योंकि पानी काट के उधर बहाने की कोशिश हुआ, नीचे खेत उ चक्कर में कुछ नहीं हुआ। और इधर कदीमा पता ना सहतेगा कि कथी जम गया है जमीन में, उठा तो ऊपर, और ये ऊपर उठा के देख खराब हो रहा है, तो देखते से करके सुन ऐसा कर, एक कुछ घास उस पर डाल दे, ठीक हो पन्नी के ना केड़ा के झलौला तोड़ के डाल दे, हटा ना तैयो। अरे को इधर रही तो बढ़ो नहीं रहा है, सब खराब हो रहा है पानी के कारण, यो पीला पीला हल्का हो रहा है। हाँ पूरा मोड़ के डाल ऊपर, ऐसा कर नीचे ऊंच कर दे, ऊपर से एक डाल दे तब ये उपाय। हाँ 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 ये सही एकदम सही, आपको अभी ना हो सकलो खराब, चाहे जितना वर्षा हो जाए। दिमाग लगल ही ना। और इस सनई के पेड़ इतना बड़ा बड़ा हो गया है, हमारा इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया हमारा इतना बड़ा हो गया तुरंत एक महीना में इतना बड़ा हो गया, और हम 18-20 साल में इतने गो है। और इधर ही भैंसी स्विमिंग पूल में खड़ा होकर कुट्टी खा रही है, आधा डूबा लेकर पैर पानी है में। हम सोच रहे हो कि भैंसी के कुट्टी कैसे मिलता होगा भाई, हम आज तक स्विमिंग पूल में नहीं नहाए हैं, ऐसा खा रही है स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल में खड़ा होके खा रही है।
हमको लगता है लग्गी में बांध के कुट्टी ऐसे गिरा देती होगी नदी में सीधे। तनका दिन बाद जब धान कभी अजलम जाएगा तो वही में धान रोपा जाता है। हाँ, धान वही में रोपा जाता है, हम दिखाएंगे जरूर। इधर ठठेरा के बोझा बारिश से पहले बनाया था कि जाएगा घोरे, अब जाएगा घोरे ही ये जलेगा अब खेते में। और ये उठा ले ले, माथा पर उठा ले, चल एक सांच के झरना हो जाते, ले ले एक टाइम खाना बना लेंगे। चार दिन सुखाएंगे फिर पाँच दिन बरसा के क्या है कि अब वर्षा आ गया है तो अब जाएगा नहीं, कम से कम एक आध महीना रहेगा उसके बाद ही जाएगा। जब तक सावन खत्म नहीं होगा तब तक वर्षा नहीं जाएगा। हाँ ये बात तो है। और इस बार तो सावन दो दो महीना के है, और बारिश होगा, दो महीना कंटिन्यू वर्षा होगा लगता है, बारह ही के छोड़ेगा। ऐसे अगले साल आया था इतना वर्षा की सब मछली मारा था ये वाला खेत में, इस बार आएगा तो हम भी आएंगे मछली मारने के लिए। पानी था खाली बीच में, घर बचा खाली घर बीच में बचल था, इस बार आएंगे तो और मजा आ जाएगा। सीधे इसको लेके आएंगे, कुदुक जाएंगे हमें ले ली। तो अब हम जा रहे हैं घर, बहुत घूम लिए तो हम घर आ गए हैं। इस वीडियो के यहाँ पेंट करते, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।